क्या है राइनोप्लास्टी ऑपरेशन, व्हाट इज राइनोप्लास्टी सर्जरी। यस दोस्तों, मैं सर डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ईएनटी एंड राइनोप्लास्टी सर्जन, बात करेंगे आज की वीडियो में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आने वाले अनेक उपयोगी वीडियोज का नोटिफिकेशन, जैसे हम हमेशा बताते हैं, आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, इट्स अ कॉमन थिंग, क्या है ये राइनोप्लास्टी ऑपरेशन। सो एवरीवन आस्क, क्या मुझे राइनोप्लास्टी सर्जरी की जरूरत है। सो सबसे पहले जानते हैं क्या राइनोप्लास्टी सर्जरी है। दोस्तों, जो राइनोप्लास्टी सर्जरी है वो बहुत सारे अलग अलग विभिन्न नामों से जाना जाता है। नोज की प्लास्टिक सर्जरी, नोज जॉब, नोज रीशेपिंग सर्जरी, नोज की प्लास्टिक सर्जरी। सो राइनोप्लास्टी एक नोज जॉब है जिसमें वी कैन रीसाइज एंड रीशेप ऑफ द नोज अकॉर्डिंग टू द रेस्ट ऑफ द फेशियल फीचर्स। आपको समझ में आया है, राइनोप्लास्टी एक ऑपरेशन है, एक सर्जरी है जिसके माध्यम से हमारे नोज को रीशेप किया जा सकता है और रीसाइज किया जा सकता है। उसमें दोनों उसके उद्देश्य हैं राइनोप्लास्टी सर्जरी करने के, वो कॉस्मेटिक भी हो सकता है, वो फंक्शनल भी हो सकता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये पता है राइनोप्लास्टी तो कॉस्मेटिक ही होता है, सुंदरता के लिए होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, राइनोप्लास्टी के दोनों उद्देश्य हैं। अगर हमारे को हमारे नाक के अंदर, हमारी जो ब्रीदिंग है, हमारा जो नाक का सांस लेने का जो सिस्टम है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमारा नोज जो है रिगार्डिंग शेप में प्रॉब्लम है, हो सकता है हमारा नाक जो है टेढ़ा है, कोई चोट के कारण विकृत है, या ब्रॉड है, या हमारा टिप ट्विस्टेड है, या हमारा नोज लॉन्ग है। सो बेसिकली इन चीजों को जब ठीक किया जाता है, हमारा जो फेस है उसके अकॉर्डिंग, दैट इज द कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी। नाउ अनदर इज, समटाइम्स क्या होता है दोस्तों, जो हमारी विकृति है, उस विकृति के कारण क्या होता है, हमारा नेजल ब्लॉकेज भी रहता है, और उस नेजल ब्लॉकेज को भी ठीक किया जाता है, दैट इज द फंक्शनल राइनोप्लास्टी। सो कॉस्मेटिक, फंक्शनल और दोनों, ये दो उद्देश्य होते हैं। इसके अलावा जो दोस्तों जो राइनोप्लास्टी है वो बेसिकली क्या है कि एक मेडिकल राइनोप्लास्टी होता है, एक सर्जिकल राइनोप्लास्टी होता है। मेडिकल राइनोप्लास्टी बहुत ही माइनर, जो आपके नोज पे कोई डिफॉर्मिटी होती है तो उसमें कुछ फिलर्स होता है जो इंजेक्शन, जैसे मान लो कोई आपके नोज के ब्रिज पे कोई हल्का सा डिप्रेशन है, हल्का सा जो है वो डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन में आपने उस फिलर्स को डाल दिया तो फिल हो जाता है, या कहीं पे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है तो उसके आजू बाजू में ऊपर और नीचे और फिलर डाल दिया तो वो बराबर हो जाता है। दिस इज द मेडिकल राइनोप्लास्टी। ये ओपीडी प्रोसीजर्स होती है। मेडिकल राइनोप्लास्टी का साइड इफेक्ट दोस्तों ये होता है कि ये एक या डेढ़ साल के बाद आपको वापस कराना होता है। दूसरा दोस्तों, बेसिकली आपका जो राइनोप्लास्टी है वो है सर्जिकल राइनोप्लास्टी। सर्जिकल जो राइनोप्लास्टी, जिसमें सर्जरी की जाती है, उसके दो मेथड्स होते हैं, एक होता है ओपन राइनोप्लास्टी, एक होता है क्लोज राइनोप्लास्टी। ओपन राइनोप्लास्टी में दोस्तों क्या करते हैं कि हमारे नोज को क्या है कि पूरा जो है वो ओपन किया जाता है, एंड जो हमारी नोज के अंदर जो हमारे फ्रेमवर्क में जो भी डिफॉर्मिटी होती है उसको जो है सर्जिकल मल्टीपल स्टेप्स के माध्यम से ठीक करके नोज को वापस सूचर कर दिया जाता है। दिस इज द ओपन राइनोप्लास्टी। ओपन राइनोप्लास्टी का दोस्तों इंडिकेशन क्या है कि हमारे नोज पे बहुत ज्यादा विकृति होती है, नोज ग्रोसली टेढ़ा है, या हमारा नोज कंप्लीट फ्लैट है, या हमारा नोज ट्रॉमा के कारण ट्विस्टेड है, तो ये सब क्या है, ओपन राइनोप्लास्टी के इंडिकेशन है। दोस्तों दूसरा है क्लोज राइनोप्लास्टी। क्लोज राइनोप्लास्टी में दोस्तों क्या करते हैं कि नाक के अंदर की तरफ इंसिजन लगता है बट नोज को बाहर से ओपन नहीं किया जाता। दोस्तों क्लोज राइनोप्लास्टी के अपने इंडिकेशन है कि जब अपने को बहुत थोड़ा सा माइनर प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई आपके अगर यहाँ खुली बम्प है, आपका जो है टिप में बहुत ज्यादा विकृति नहीं है, तो क्लोज राइनोप्लास्टी की जाती है। उसमें क्या है, नोज को यहां से पूरा ओपन नहीं किया जाता। सो दोस्तों ये डिफरेंट टाइप की जो राइनोप्लास्टी सर्जरी है, इसमें अपना अपना एक इंडिकेशन होता है कि किस पेशेंट के लिए कौन सी सुटेबल होती है, नंबर वन। दूसरा,
बहुत बार डॉक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। स्टिल कुछ डॉक्टर्स हैं जो ओनली क्लोज राइनोप्लास्टी ही करते हैं, कुछ ओपन राइनोप्लास्टी करते हैं, बट 99% जो डॉक्टर हैं जो जब पेशेंट की डिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा होती है तो ओपन राइनोप्लास्टी की जाती है। एंड जब ओपन राइनोप्लास्टी करते हैं तो दोस्तों ध्यान रहे उसमें भी आपको यहाँ पे चीरे का निशान या विजिबल नहीं होता, इसलिए आज ही आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरे नोज पे कहीं बाहर से चीरा या निशान हमें विजिबल नहीं होगा। सो देखो दोस्तों, आपने क्या है राइनोप्लास्टी, व्हाट इज राइनोप्लास्टी आपने जाना, आपके दिमाग से ये क्लियर हुआ कि ये नोज जॉब है, रीसेप एंड रीसाइज जो हमारा नोज है उसको करने के लिए हमारे रेस्ट ऑफ फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग। सो रियली दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल टू यू, एंड देन यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड कलीग्स, जिससे उन सबको पता लगे क्या है राइनोप्लास्टी सर्जरी। एंड आपका कोई क्वेश्चन है डेफिनेटली यू कैन पुट माई कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई रिप्लाई फॉर दैट। थैंक यू।